आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने सेटिंग की जो वॉलपेपर है उसे चेंज कर सकते हो। देखो, जनरली लोगों के पास जो सेटिंग होता है कुछ इस तरीके से होता है, वाइटिस या फिर ब्लैक करते हो तो ब्लैक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अपने मोबाइल की सेटिंग को बैकग्राउंड में, ठीक है, कैसे आप फोटो लगा सकते हो अपने मनपसंद किसी भी फोटो को, उसे कैसे लगा सकते हो किसी भी डिवाइस में, चाहे आपके पास कैसा भी डिवाइस हो, ये सब में सपोर्ट करने वाला है। एंड कंप्लीट आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम यहाँ सेटिंग जैसे ओपन कर रहे हैं तो ये हमारा नॉर्मल सेटिंग है, ये हर कोई का मोबाइल में इस तरीके से आपको सेटिंग मिलता है। बट आपको थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा एक मज़ेदार करना होगा अगर आपको यहाँ पर सेटिंग में वॉलपेपर लगाकर। तो देखो, उससे करने के लिए सिंपली आप अपने नोटिफिकेशन बार को इस तरीके से ओपन करना। एंड यहाँ पर अगर आपका रीडिंग मोड ऑन होगा, ठीक है, काफ़ी लोगों का ऑन रहता है, तो आप सिंपली इसे ऑफ कर देना। एंड उसके बाद आपके अगर मोबाइल में यहाँ पर डार्क मोड होगा तो इसे जरूर से आपको इनेबल करना है। इससे जो रिजल्ट आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन होगा तो इसे जरूर से इस्तेमाल करना है आपको। जैसे आप डार्क मोड को ऑन करते हो तो उसके बाद आप यहाँ पर हम अगर सेटिंग में चलते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे मैं सेटिंग में टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो कलर है वो पूरा ब्लैक तरीके से आ गया। लेकिन अब यहाँ पर बारी आता है हमारा जो वॉलपेपर लगाना। अगर आप अपना फोटो वगैरह लगाना चाहते हो या किसी के भी फोटो को लगाना चाहते हो बैकग्राउंड में, तो उसके लिए देखो हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है। बहुत ही कम लाइट एप्लीकेशन है वो, कोई 1 या 2 MB के अंदर ही आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे करना है, लास्ट में आपको बता दूंगा कि एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप देखो कि एप्लीकेशन का आपको यूज़ कैसे करना है, राइट। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका एप्लीकेशन का इंटरफेस ओपन होता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अपने जो फोटो को लगाने के लिए। तो उस ऑप्शन में जाने के लिए आप सिंपली यहाँ पर देख पा रहे हो जो मॉकअप ओवरले है इसे आपको सिंपली ऑन करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर जो पोर्ट्रेट का सेक्शन दिया गया है, इस पोर्ट्रेट सेक्शन में आप सिंपली यहाँ पर अपने फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो जो पोर्ट्रेट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें हम यहाँ पर सिंपली टैप करते हैं। एंड यहाँ पर जैसे ही आप टैप करोगे उसके बाद आप डायरेक्ट गैलरी में चले जाओगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो आप अपने फोल्डर वाइज चूज कर लेना जिसमें भी आपका फोटो हो एंड जिस फोटो को आप लगाना चाहते हो अपने सेटिंग में, उस फोटो को यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक फोटो, यहाँ पर मुझे पसंद आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला मैंने कर लिया। एंड इस तरीके से आपको भी कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ओपासिटी, देख पा रहे हो यहाँ पर जो ओपासिटी है वो 10% हमें दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर आपको इसे पूरे खींच कर 100% कर देना होगा। जी हाँ, यहाँ पर आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से 100% ओपासिटी को आपको सिंपली कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मॉकअप ओवरले है इसे बस आपको सिंपली ऑन कर देना है। बहुत ही सिंपल सेटिंग है, आप इजीली कर लोगे। तो इसे यहाँ पर जैसे हम ऑन करते देख पा रहे हो जो हल्का हल्का हमारा बैकग्राउंड में फोटो आ चुका है एंड ये फोटो अब हो चुका है अप्लाई। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं सेटिंग में लेकर चलता हूँ आपको एंड दिखाता हूँ कि देख पा रहे हो यहाँ पर जैसे मैं इसे नीचे कर रहा हूँ एंड यहाँ पर देख पा रहे हो ऊपर हमें सेटिंग का ऑप्शन मिल चुका है। एंड यहाँ पर जैसे मैं सेटिंग में टैप करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो फोटो है देख पा रहे हो इस तरीके से लग चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी डिवाइस, किसी भी मोबाइल में इस तरीके से आप अपने फोटो को लगा सकते हो। एंड अब बताता हूँ आपको कि एप्लीकेशन कौन सा है एंड कौन सा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप बैकग्राउंड में फोटो लगा सकते हो। लेकिन उससे पहले एक और एक बात बताना मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जो फोटो है वो सब जगह लग जाता है। सो अगर आप अपने फ्रेंड के सामने कुछ इस तरीके से करना चाहते हो कि बताना चाहते हो कि देख मैं सेटिंग में भी अपने वॉलपेपर को लगा सकता हूँ, तेरे मोबाइल में है या नहीं है, मतलब इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन कौन सा है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए आप सिंपली प्ले स्टोर में जाओगे एंड यहाँ पर जैसे मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया एंड प्ले स्टोर में आने के बाद आप सिंपली यहाँ पर सर्च करोगे, जो कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सर्च बार में आप सिंपली यहाँ पर टैप करोगे डिजाइनर टूल, देख पा रहे हो यहाँ पर जो डिजाइनर टूल का ऑप्शन आ चुका है एंड इस डिजाइनर टूल को आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। देख पा रहे हो काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल किया है एंड 10 मिलियन+ यहाँ पर डाउनलोड है, काफ़ी लाइट ये एप्लीकेशन है, जरूर से आपको इस्तेमाल करना। बाकी इंस्टाग्राम में स्टाइलिश DP अगर आप लगाना चाहते हो या नहीं आता है आपको तो इस वाले वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरीके मजेदार वीडियोज़ के लिए।